साल की आखिरी भौमवती अमावस्या कब, जाने डेट और शुभ मुहूर्त। जय माता दी दोस्तों, भौमवती अमावस्या रोग दोष वैवाहिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास है। जाने इस साल की आखिरी भौमवती अमावस्या कब है और इसका शुभ मुहूर्त किस दिन है। साल की आखिरी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मार्गशीर्ष माह में आने वाली अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ेगी। अमावस्या तिथि जब मंगलवार को होती है तो उसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल 2023 की आखिरी भौमवती अमावस्या पर स्नान दान तर्पण के साथ हनुमान जी और मंगल देव की पूजा करने वालों को कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। पितरों के आशीर्वाद से साधक के घर खुशियां कम नहीं होती। जाने इस साल की आखिरी भौमवती अमावस्या कब पड़ रही है। साल 2023 की आखिरी भौमवती अमावस्या 12 दिसंबर मंगलवार को है। ये मार्गशीर्ष माह की अमावस्या होगी। मंगलवारी अमावस्या के दिन पितरों का पूजन अर्चन करने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से अमंगल का नाश होता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 से शुरू होगी और 13 दिसंबर 2023 को सुबह 5:01 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त है 5:14 से सुबह 6:09 तक और तर्पण का समय है सुबह 11:54 से दोपहर 12:35 तक। आइए जानते हैं कि भौमवती अमावस्या का क्या महत्व है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भौमवती अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार मंगलवारी अमावस्या पर व्रत रखने से न सिर्फ बजरंग बली बल्कि सूर्य, अग्नि, इंद्र, रुद्र, अष्टवसु, पितृ, अश्विनी कुमार और ऋषि तृप्त हो जाते हैं। भौमवती अमावस्या पर हनुमान जी का प्रभाव रहता है। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए इस दिन ऋण मोचक मंगल का पाठ करें। भौमवती अमावस्या पर मंगल के बीज मंत्र या उससे जुड़ी वस्तुओं का दान करने से मंगल दोष दूर होता है। वैवाहिक जीवन के साथ ही शारीरिक क्षमताओं में कमी छिड़ आयु रोग द्वेष और कलह कलेश को जन्म देता है। अगर मंगल दोष ज्यादा ही समस्या दे रहा हो तो भौमवती अमावस्या पर लाल मीठी चीजों का दान करें। मंगल के मंत्र का जाप मध्य दोपहर करने से मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है।